हेलो एवरीवन, आई एम राहुल दुबे, फैकल्टी ऑफ सिविल डिपार्टमेंट, SIIT कॉलेज भोपाल। प्रीवियस क्लास में हमने टी सेक्शन के सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना सीखा था। यहाँ पे टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेंट्रोइड टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने टी सेक्शन के सेंट्रोइड फाइंड आउट करना सीखा था। आगे हम उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमने आई सेक्शन यहाँ से क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ गिवन आई सेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर फिगर का अगर हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं कि उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम एक्सिस कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम एक एक्सिस लेंगे एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम लेते हैं वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इस पर्टिकुलर फिगर को लेंगे। हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर फिगर का सेंट्रोइड या ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पे होगा। यहां से हम एक्स वाई डिस्टेंस पे चले जाते हैं और यहां से हम y बार डिस्टेंस पे जाते हैं। जहां भी x बार और y बार कॉइंसाइड होगी, वहां इसका ज्योमेट्रिक सेंटर लोकेट होगा। x बार मतलब y एक्सिस से x बार डिस्टेंस पर, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। सेम x एक्सिस से y बार डिस्टेंस पर, जो y के पैरेलल है। जहां भी x बार y बार कॉइंसाइड होगी, वहां इसका ज्योमेट्रिक सेंटर लोकेट होगा। अब एक्चुअली ये आई सेक्शन जो है ना, वो तीन रेक्टेंगुलर सेक्शन से मिलकर बना है। अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर को यहां से ज्वाइन कर दें, इस तरीके से हम ज्वाइन कर दें पर्टिकुलर फिगर को, तो ये तीन रेक्टेंगुलर सेक्शन से मिलकर बना है। फर्स्ट यहां पर, सेकंड और यहां पर थर्ड, तीन रेक्टेंगुलर सेक्शन से मिलकर ये बना है। तो हमने पढ़ चुका है प्रीवियस क्लास में कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड अगर हमें फाइंड आउट करना, तो एक्स बार क्या होगा, वाई बार क्या होगा। तो एक्स बार होगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री। तीन फिगर से मिलकर बना है, इसलिए हम पर्टिकुलर फिगर का एरिया, फिगर वन का एरिया क्या होगा, बी इंटू डी। अब इसका बी कितना है 40, डी कितना है 10, तो ये हो जाता है 400 mm स्क्वायर। फिर हम फिगर टू पे आते हैं, तो फिगर टू का एरिया क्या होगा, वी इंटू डी। वी इसका 10 mm दिया है, V इसका है 10 mm, तो V 10 है और D कितना है इसका 40 mm, तो 10 into 40 equal to 400 mm square। तो हम फिगर 3 की बात कर लें, फिगर 3 का एरिया क्या होगा, V 3 into D 3, तो इसका V कितना है 60 into D कितना है 20, तो ये हो जाता है 1200 mm square। अब हम बात करते हैं फिगर के सेंटर से y एक्सिस तक की डिस्टेंस, हम जानते हैं कि वो x होती है। अगर हम फिगर वन की बात करें तो वो एक्स वन हो जाती है, जो आपको दिख रहा है कि एक्स वन का कितना दिख रहा है अपन को यहाँ पे, फिगर के सेंटर से एक्स वन दिख रहा है हमें यहाँ पे। टोटल अगर 60 है तो ये एक्स वन हो जाएगा 30 है। सेम हम फिगर टू के सेंटर से बाई एक्सिस तक की डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो हो जाती है एक्स टू, जो हमें दिख रही है कितनी, 60 का आधा 30 mm दिख रही है। सेम हम फिगर 3 की बात करें, तो फिगर 3 के सेंटर से y एक्सिस तक की डिस्टेंस होगी x3, वो भी हमें कितनी दिख रही है यहां से, 60 का आधा 30। एक्चुअली दिस आई सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल y एक्सिस, तो जो x बार है वो डायरेक्टली हमें 30 दिख रहा है। ये x बार जो है ना, वो डायरेक्टली हमें 30 mm दिख रहा है। ये हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आगे निकाल के देखते हैं कि आंसर 30 आ रहा है ना। तो ये सिमेट्रिक, इसलिए हमें सिमेट्रिकल सेक्शन, इसलिए x1 भी 30 आ रहा है, x2 भी 30 आ रहा है, x3 भी 30 आ रहा है, और जो हम x बार निकालेंगे वो भी आपका 30 mm आएगा। अब हम बात करते हैं y बार के लिए निकालने के लिए, तो हम निकालते हैं y1 डिस्टेंस के लिए। हम जानते हैं कि y1 डिस्टेंस क्या होती है, फिगर 1 के सेंटर से, फिगर 1 के सेंटर से नीचे वाली एक्सिस तक की डिस्टेंस, x एक्सिस तक की डिस्टेंस जो होगी वो y1 होगी। फिगर 1 के सेंटर से x एक्सिस तक की डिस्टेंस y1 होगी। तो हमें देख रहा है कि इसका जो y है वो d by 2 पे लाई करता है, तो d मतलब कितना, 10, 10 का आधा कितना 5, 5 ये होगा प्लस 40 ये होगा प्लस 20 ये हो गया, तो 5 प्लस 40 प्लस 20 टोटल मिला के y1 जो आ रहा है वो यहां पे कितना आ रहा है 65 mm। सेम हम फिगर 2 की बात करें, तो फिगर 2 के सेंटर से x एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी कितनी, वो डिस्टेंस होगी आपकी y2। तो फिगर 2 के सेंटर से x एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होगी वो y2 है। वो आपको दिख रहा है कि इसका d by 2 पे लाई करेगा, तो 40 का आधा 20 है और प्लस 20 ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो 20 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाता है 40 mm।
सेम हम बात करें फिगर थ्री की, तो ये फिगर थ्री आपको दिख रहा है, फिगर थ्री के सेंटर से एक्स एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी यहां से यहां तक की, बाय थ्री, आपको दिख रही बाय थ्री, तो बाय थ्री कितना होगा, डी बाई टू पे लाई करेगा, डी बाई टू मतलब 20 का आधा कितने पे, 10 पे लाई करेगा। जब ये सारी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं एक्स बार में और वाई बार में, तो एक्स बार निकल के आ रहा है 30 mm और वाई बार जो निकल के आ रहा है वो 27 mm निकल के आ रहा है। दैट मीन अगर हम यहां से इस टी सेक्शन के लिए हम बात करें, तो यहां से हम अगर 27 डिस्टेंस पे चले जाए बाय बार, मतलब यहां से हम ये 20 दिख रही है यहां तक की, ये 27 यहां कहीं आएगा, यहां से हम बाय बार आ रहा है हमारा कितना 27 mm, यहां से हम 27 mm डिस्टेंस पे चले जाते हैं, और एक्स बार जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है यहां से, एक्स बार आ रहा है 25 mm, तो यहां से हम 27 जाते हैं, यहां से हम 25 जाते हैं, तो जहां भी ये पॉइंट कॉन्साइड होगा वहां इसका जियोमेट्रिक सेंटर लोकेट होता है। तो हमें देख रहा है यहाँ कि इस आई सेक्शन का जियोमेट्रिक सेंटर यहां निकल के आ रहा है बाय बार और एक्स वाई डिस्टेंस, तो बाय बार और एक्स वाई डिस्टेंस पर निकल के आ रहा है, बाय बार और एक्स वाई डिस्टेंस पर निकल के आ रहा है, ये 30 mm। ओके, थैंक यू।